हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। और इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस चैप्टर में कि प्रॉब्लम होती है? तो हम डिस्कस करेंगे आगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल लर्न करने पड़ते हैं। इसमें डेटा बहुत है जिसको बहुत ज्यादा लर्न करना, कंसेप्ट भी है, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें इस चैप्टर को रिवाइज करना पड़ता है। और हम सबको पता है कि अगर जहां पर बहुत ज्यादा रटना पड़े वहां पे मैं हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए, ताकि जो कंसेप्ट है आपके माइंड में फिट हो सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4, एनिमल किंगडम। और हमें पता है कि हमारा जो टारगेट है वो है नीट 2024 एंड 2025, ये हमारा टारगेट होगा। और हम पहले बता दें कि ये चैप्टर का वेटेज कितना है, क्योंकि ये चैप्टर जब एंड होगा या जब बीच में हम चल रहे होंगे इस पढ़ा रहे होंगे इसको, तो आपको लगेगा कि सर इतना डेटा है, कैसे लर्न होगा, क्या होगा, कैसे। हम है ना, घबराइए नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से रिलेट करके चीजों को पढ़ाएंगे। तो अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें, ये चैप्टर नंबर 4, जहां से अगर हम नीट में क्वेश्चन की बात करें तो कितने आते हैं, तो हम श्योर हैं कि यहां से जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से मेनली, वो तीन से चार क्वेश्चन आते हैं। कई बार पांच भी आए हैं, पर तीन से चार मान के चलो इतने क्वेश्चन आते हैं नीट में आपके। और ये जो क्वेश्चन होते हैं रैंक डिसाइडिंग होते हैं। देखो, जितने भी हमने किंगडम पढ़े हैं ना, इन सभी में डेटा बहुत है, ज्यादा लर्न करना पड़ता है। तो ये रैंक डिसाइडिंग इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि कुछ बच्चे इसको याद नहीं कर पाते, मतलब डरते हैं, भागते हैं इस चैप्टर से। और आपको हमें बताना पड़ेगा कि जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है प्लान किंगडम, और आपने अच्छे से अगर वीडियो देखा है, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग की है, तो ऐसा नहीं कुछ था उस चैप्टर में जिससे हमें भागना पड़े। ठीक है, तो अगर आप उस चैप्टर को नहीं देखे हैं, जाओ देखो। और बहुत अच्छे से हमने हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, और इस चैप्टर में भी हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे आपको। तो तीन से चार क्वेश्चन आते हैं नीट में इस चैप्टर से मेनली, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीटली जो क्वेश्चन आ रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। तो हमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, जहां हमें लगेगा कि नहीं, हाँ ये बच्चों को पढ़ा देना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है या इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ा देंगे आपको। फिर से कह रहे हैं कि जो हम बाउंड्री डिसाइड कर रहे हैं बच्चे, उसके अंदर रहने का ट्राई करो। आपके पास कोई एडिशनल बुक हो, कहीं से आप और पढ़ रहे हो और बहुत ज्यादा डेटा आपको मिल रहा हो, तो हमने कहेंगे कि वो टीचर अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत डेप्थ में आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चे फिर भी हम कह रहे हैं कि ये चैप्टर एनसीईआरटी से आ रहा है, तो हम एनसीईआरटी के आसपास ही रहें तो बेटर है हमारे लिए, क्योंकि हमने पूरे बायोलॉजी के जितने 11 12th के चैप्टर्स हैं हमारे, पहले तो 38 थे, अभी देखते हैं एनएमसी क्या करता है। बाकी 38 चैप्टर बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, टोटल आपको आई थिंक 90 से अबव चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो हम जितना मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उतना ही पढ़ लें, उतना याद रख लें, उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मोस्ट एनर्जेटिक क्लास होने वाली है आज की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और हम श्योर हैं कि आज की क्लास से आपको पता चल जाएगा कि आगे का लेक्चर हमारा कैसे होने वाला है, हम आगे कितने अच्छे से इस चैप्टर को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। रेडी हैं आप लोग? बोलिए। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें घबराना नहीं, ठीक है? सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। आपको अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठो, पेन पेपर दैट मीन्स कि आप अपना नोट्स कॉपी और पेन ले लो, और दूसरा एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखो। सो के पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ सो के पढ़ रहे हैं तो सो के पढ़ो नहीं, टेबल और चेयर होना चाहिए प्रॉपर, और वहां बैठ के पढ़ो, ठीक है? तो चलिए, आप कहेंगे सर कितनी बातें करते हैं, तो आते इस पूरे किंगडम के अंदर हम एनिमल, और वो भी मल्टी सेलुलर एनिमल को का डिस्कशन करेंगे कि मल्टी सेलुलर एनिमल, एनिमल जो किंगडम एनिमिलिया है उसके अंदर बहुत सारे हम फाइलम पढ़ेंगे। तो उस फाइलम के अंदर किस टाइप से, किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम उस फाइलम के अंदर प्लेस कर रहे हैं, और वो क्या उनका एक बेसिक फीचर है, क्या एक उनका यूनिक फीचर है, हर एक टॉपिक पर बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, पूरे चैप्टर में हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्कशन करेंगे और मल्टी सेलुलर एनिमल का डिस्कशन करेंगे। एनिमल का मेन फीचर, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म आपने देखा, अगर वो एनिमल है दैट मीन्स कि वो प्लांट नहीं है, वो फंजाई नहीं है, वो कोई यूकैरियोटिक एनिमल सेल नहीं है, वो कोई यूकैरियोटिक जो है प्लांट सेल नहीं, ठीक है? तो अगर वो एनिमल है तो कोई फीचर होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने काउ देखा,
वो फेलोज देखा या कोई और एनिमल देखा आपने, स्नैक देखा आपने, तो इसका मतलब कि जो काओ बफेलो स्नैक ये एक एनिमल है, कुछ फीचर है ना उसके पास, कुछ ऐसा है जो आपने कहा कि नहीं सर ये एनिमल है प्लांट, आपने उसको प्लांट नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट के लिए कुछ फीचर होता है, अगर वो है तो तभी वो ऑर्गेनिज्म प्लांट होगा, नहीं तो वो एनिमल। कंफ्यूजन 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 नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, हम कह रहे हैं आप अगर कोई एक एनिमल देखते हो लाइक काउ देखना देख लिया आपने, काउ है वो, आप कह रहे सर एनिमल है, कैसे आपको पता कि वो एनिमल? कहेंगे सर कैसी बात कर रहा है, मतलब हमें प्लांट एनिमल का आइडेंटिफिकेशन नहीं। देखो आप जो बात कर रहे हैं बायोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं, बायोलॉजिकल बात करते हैं, बाहर आपको बता देगा एनिमल है प्लांट है तो कैसे, क्योंकि आपको अभी हमने प्लांट किंगडम पढ़ा तो हमने उसमें क्या बताया बेसिक फीचर क्या होना चाहिए प्लांट में, तो आपने कहा सर उसमें बेसिक फीचर उसके पास क्लोरोफिल हो, फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, इसका मतलब जो एनिमल है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल में है। होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल, मोस्टली एनिमल क्या करेंगे, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो मूव करेंगे, ठीक। एनिमल सेल जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी होता है, तो इस चैप्टर में मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रोटोजोअन जो हमने पढ़ रखा है मतलब पढ़ेंगे अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम जितने भी एनिमल है ना सबको हम मेटाजोन्स की कैटेगरी में रखते हैं, किसमें रखते हैं मेटाजोन्स को, और मेटाजोन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, एक आएगा हमारा पैराजोआ और दूसरा आएगा यूमेटोजोआ, ठीक है। तो मेटाजोन्स के अंदर सारे एनिमल्स, सभी एनिमल जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल है वो सबके सब प्लेस्ड है मेटाजोन्स के अंदर, जिसको हम किंगडम एनिमिलिया बोलते हैं, और इस मेटाजोन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक पैराजोआ है दूसरा यूमेटोजोआ है, ठीक है। यूमेटोजोआ ये एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर से कह रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लो, ठीक है, जितना हम कह रहे हैं ना जो बाउंड्री डिसाइड कर रहे हैं उसके अंदर रहो और उतना ही पढ़ लो आप, इनफ है, मोर देन इनफ है। तो पैराजोआ में हम उन ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, मेनली कुछ बुक में देखोगे तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट को भी रखे हैं एनिमल सेल को, जैसे प्रोटोजोन्स को भी इसमें पढ़ते हैं, लेकिन हम अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे, और वो कौन है इसका एग्जाम्पल है सर, कौन सा है इसका, पोरीफेरा, पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा पैराजोआ में आता है। बाकी जो यूमेटोजोआ में हमें पढ़ना है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास टिश्यू है, जिनके पास ऑर्गन है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें कौन आएगा, तो सर वही रेस्ट ऑफ द जितने भी फाइलम है इस पोरीफेरा को छोड़कर, पोरीफेरा को छोड़कर बाकी जितने कौन कौन आएगा, तो फाइलम हमारा आ जाएगा सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो यूमेटोजोआ के अंदर प्लेस, कोई डाउट नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए नेक्स्ट। अब बात आती है कि अगर हम किंगडम एनिमल्स के मतलब किंगडम एनिमिलिया के अंदर सारे एनिमल को प्लेस कर रहे हैं तो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा, मतलब किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में प्लेस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपने प्लांट किंगडम पूरा पढ़ा है ना, आप हमें क्वेश्चन बताइए कि जो प्लांट किंगडम में हमने फाइलम वर्ड यूज नहीं किया है, फाइलम के प्लेस में प्लांट के लिए जो प्लांट होते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं फाइलम के प्लेस में, बताएंगे आप। चलो तो अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो हमने जितने बहुत सारे एनिमल को हमने देखा अपने आसपास, वैराइटीज ऑफ एनिमल है, तो वो जो वैराइटीज ऑफ एनिमल है ना वो उसका क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस पे हम अलग अलग फाइलम में पढ़ते हैं, अलग अलग फाइलम में उसको प्लेस कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया फाइलम पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, उसके बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, मोलस्का के बाद इसमें आर्थ्रोपोडा भी आएगा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इतने हमें फाइलम पढ़ने। तो क्या बेसिस होगा उसका जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म मेनली एनिमल को हम फाइलम डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में प्लेस करेंगे। तो आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, ये हमारे बेसिस हैं, एनसीईआरटी कुछ चार पांच लिखी है और भी है उसके पास पर वो इनडायरेक्टली है, तो ये हमारा बेसिस होगा ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने का। पहला अरेंजमेंट, आपसे सेल का अरेंजमेंट क्या है, सेल का अरेंजमेंट क्या है, तो हम ऐसे लिखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी
ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। अगर हम इसके प्लेस पे हम ये कर दें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। अब आते हैं इसी में हम पढ़ रहे होंगे बॉडी सिमेट्री क्या है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिमेट्री क्या है, दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा जर्म लेयर पढ़ रहे हैं, फोर्थ नंबर पे नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम का नेचर क्या है, एंड फिफ्थ नंबर पे पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, ये हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमें इसको डिटेल करना है ना, तो ये जो अभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख रहे हो इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे आगे एक एक स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो किंगडम एनिमिलिया, ध्यान से सुनो, किंगडम एनिमिलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लेस है, उन पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चार टाइप के, ये फोर टाइप्स के, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे किंगडम एनिमिलिया में जिसके पास लूज एग्रीगेट ऑफ सेल, कुछ ऐसे होंगे जिसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसे होंगे जिसके पास ऑर्गन बन जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। हमारा इवोल्यूशन भी ऐसे हुआ है, पहले सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए हैं, आफ्टर दैट जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आए हैं, फिर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन हुआ तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आए, और थोड़ा सा और इवोल्यूशन हुआ तो फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आ गए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे, मतलब कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म इनमें आ रहे। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसे एनिमल जिसमें सेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स नहीं है, ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन की बात नहीं कर रहे, हमें कहेंगे कि टिश्यू नहीं बन पाया है, पर हाँ इसके पास ये लिख सकते हैं लूज एग्रीगेट ऑफ सेल है, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल है। तो सेलुलर लेवल में आपको एक फाइलम का नाम लर्न करना है, एग्जाम्पल में फाइलम कौन आएगा, कोरीफेरा, फाइलम कोरीफेरा जो है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल। टिश्यू लेवल में कौन कौन आएगा, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास टिश्यू बन गया है, इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल लर्न करने, वो भी दो दो फाइलम के, एक आएगा सिलेंट्रेटा, दूसरा एग्जाम्पल आपको लर्न करना है टीनोफोरा, टीनोफोरा, ये दो एग्जाम्पल हो गए। ऑर्गन लेवल में कौन से एग्जाम्पल लर्न करने हैं आपको, ऑर्गन लेवल में यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास ऑर्गन बन गया है, ऑर्गन है, आपको एक फाइलम का नाम याद रखना है, वो है प्लेटीहेलमिंथस, प्लेटीहेलमिंथस, ये एग्जाम्पल लर्न करना है। ऑर्गन सिस्टम में किसका आपको, मतलब कितने फाइलम, कौन कितने फाइलम का एग्जाम्पल लर्न करना है, तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा हमारा एस्केलमिंथस टू फॉर डेटा। तो आप ध्यान से स्लाइड को देखो, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यानी बहुत सारे फाइलम में आते हैं, लाइक एस्केलमिंथस से स्टार्ट होगा, एस्केलमिंथस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो सेवन फाइलम जो है उसके पास ऑर्गन सिस्टम मिलता है, बाकी ऑर्गन लेवल केवल एक फाइलम में है, प्लेटीहेलमिंथस में, टिश्यू दो फाइलम में है, सिलेंट्रेटा जिसमें नाइडेरिया भी बोलते हैं और टीनोफोरा भी, दूसरा फाइलम टीनोफोरा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरी फेलन हो जाएगा आपका, बोलो। तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं, पढ़ाई कर, ठीक है। अब आते हैं, कुछ बुक में बॉडी प्लेन दे रखा है, मतलब वैसे तो हम कंप्लीट इनकम्प्लीट पढ़ाया जाता है, पर कुछ बुक में अगर एडिशनल बुक पढ़ रहे हो तो उसमें बॉडी प्लेन है। अगेन हम कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लो, अगर आ गया क्वेश्चन तो आप कहेंगे सर पढ़ाया नहीं है। ब्लाइंड सेक का मतलब है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका, जिनमें केवल सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, ठीक है। एक एग्जांपल आपने हाइड्रा का आप पहले भी पढ़ रखे होंगे, हाइड्रा 10th क्लास में, या अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाने का ट्राई कर रहे हैं, हाँ बन गया हाइड्रा,
हाइड्रा का जो आप देखेंगे इसमें सिंगल ओपनिंग। ब्लाइंड सैक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म प्लेस, बॉडी ब्रेन में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये ब्लाइंड सैक में सिंगल ओपनिंग है जो माउथ एंड एनस दोनों की तरह काम करेगी, माउथ एज वेल एज एनस की तरह काम करेगी, यानी सिंगल ओपनिंग। ये पास क्या है? सिंगल ओपनिंग है इसमें। तो ये ब्लाइंड सैक जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल ओपनिंग है, यानी इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम ब्लाइंड सैक के अंदर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? तो हम कहेंगे सर मतलब इसमें एग्जाम्पल आएगा सिलेंट्रेटा, इनोफोरा और प्लेटीएलमेंटिस, तीन फाइलम आए। ठीक है, तो आपको लर्न करना है कहां से? सिलेंट्रेटा टू प्लेटी तक, प्लेटी हेलमेंटिस तक। ठीक है, अब आते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। मतलब आप ये समझ लो कि एक ट्यूब है, ये ट्यूब हो गया। ठीक सर, अब इस ट्यूब के अंदर भी एक और ट्यूब है, ये ट्यूब विद इन, जैसे आपने आपके पास पेन होता है, पेन के अंदर एक रिफिल होती है, पेन भी एक ट्यूब है और उसके अंदर एक रिफिल है, वो भी एक ट्यूब। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, दूसरा बॉडी प्लेन क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब। और इसमें सिलेंट्रेटा प्लेटी को छोड़ के, मतलब पोरीफेरा को भी छोड़ देंगे, पोरीफेरा तो ब्लाइंड सेक है भी नहीं, उसमें ब्लाइंड सेक में केवल ये दो एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, सिलेंट्रेटा फाइलम और प्लेटी हेलमिंथस का जो फाइलम है। एंड ट्यूब विद इन ट्यूब में आपको एसके हेलमिंथस तक कौन कौन सा आएंगे? इसमें एसके टू कॉर्डेटा आपको इसमें पढ़ने हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब दो ट्यूब होगा उसके। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन एसके हेलमिंथस टू कॉर्डेटा तक आते हैं। और इसमें आपको अगर हम मतलब थोड़ा सा और डिटेल बताएं, तो इसमें पहले पढ़ाया जाता था पर अभी मतलब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म ना, जैसे माउथ पहले बना है, एनस पहले बना है, इस बेसिस पर इस ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, प्रोटोस्टोम एंड सेकेंड आता था इसमें ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, प्रोटोस्टोम में प्रोटोस्टोम दैट मींस कि पहले कौन बना है? फर्स्ट बना है माउथ एंड सेकेंड नंबर पे बना है एनस। एंड ड्यूटेरोस्टोम में पहले जो ग्लैस्टुला का ब्लास्टोपोर होता है, ठीक है, ये जो ट्यूब, ये क्या बता रहे सर? ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब एक ग्लैस्टुला एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ग्लैस्टुला एक स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ बन गया और बाद में सेकेंड नंबर पे एनस बनता है तो हम उसको प्रोटोस्टोम में रखते हैं। और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर पहले अगर क्या बन गया, पहले एनस बना और बाद में जो है सेकेंड नंबर पे माउथ बना, तो हम इसको हम प्लेस करते हैं ड्यूटेरोस्टोम के अंदर। इसमें कॉर्डेट्स आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम में कौन आता है? कॉर्डेट आता है। तो इसको इतना ज्यादा डिटेल मतलब लाइटली लेना, पढ़ा हुआ हो बस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने स्क्रीन पर आते हैं और हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम पढ़ रहे होंगे इसमें, क्योंकि अभी हमने इससे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यही कर लेते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और कुछ के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। मतलब वही एग्जाम्पल क्या, ब्लाइंड सैक का जो अभी 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 हमने डिटेल किया, ब्लाइंड सैक और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वही ट्यूब विद इन ट्यूब। ये हमने पढ़ा ना अभी अभी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप चेक करो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब सिंगल ओपनिंग, एनसीईआरटी भी लिख रही है सिंगल ओपनिंग होगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक ओपनिंग है। ठीक है, और ट्यूब विद इन ट्यूब में जैसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरा टाइप है, तो इसके इसके अंदर हमें दो ओपनिंग मिलेगी, टू ओपनिंग। ये ओपनिंग क्या है? माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस हो जाएगा। सिंगल ओपनिंग में जो ओपनिंग है वो माउथ एज वेल एज एनस दोनों की तरह काम करेगा,
यहाँ तक डाउट नहीं है ना। जैसे यहाँ पर एक सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, एक सिंगल ओपनिंग इसके पास, और यहीं से फूड भी अंदर जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ से बाहर आएगा। अब डाइजेस्ट सिस्टम ह्यूमन का जो आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है, हम देखो ये माउथ होता है, माउथ ठीक है, और दूसरा इन जो पॉइंट होता है उसका एनस होता है। तो फूड जो है माउथ के थ्रू एंट्री करता है और डाइजेस्ट होकर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम जिसके पास दो ओपनिंग होती है, एक माउथ और एक एनस, और इनकम्प्लीट में आएगा जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है लाइक सिलेंट्रेटा, इनोफोरा, प्लेटिहेडस। हो जाएगा इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के पास। एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे से पढ़िएगा, उसको रिवाइज करिएगा, हम श्योर है आपको समझ आएगा पूरा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू इन इन किंगडम एनिमिलिया हैव टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड दूसरे में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये ओपन या क्लोज क्या है, देखो आप यहां पर स्क्रीन पर एक डायग्राम देखो, ये डायग्राम है किसका, हर्ट का। ये डायग्राम किसका है, हर्ट का है। हर्ट जब ब्लड पंप करे तो ब्लड जो है वो एक ओपन कैविटी में जाए, मतलब उसमें वेसल्स कनेक्टेड ना, ये वेसल्स हो ही ना, ब्लड पंप हो गया और सीधे के सीधे बॉडी कैविटी के अंदर आ गए, जिसको हीमोसील कैविटी बोलते हैं। तो हर्ट ने ब्लड पंप किया और यहां पर देखो ये ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं है, मतलब ये बॉडी कैविटी, ये क्या है, कैविटी। यानी ब्लड डायरेक्टली कहां पर आ रहा है, कैविटी के अंदर आ रहा है, कनेक्शन नहीं है इसका। तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हर्ट है, हर्ट है ये जब ब्लड पंप करेगा तो वो वेसल्स के थ्रू कैपिलरीज एंड फिर से वापस से हर्ट में चला जाएगा, मतलब कंप्लीटली क्लोज है। यानी हर्ट से ब्लड निकला, बॉडी के पूरे पार्ट से होते हुए वापस हर्ट में चला गया, अब कहीं पर ब्लड बाहर कैविटी में नहीं आ रहा, वेसल्स में फ्लो हो रहा है, वेसल्स के अंदर हो रहा है, जैसे आर्टरी वेन्स है हमारा और कैपिलरीज, इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ओपन नहीं है किसी कैविटी के अंदर, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ब्लड जाके उसके अंदर कैविटी के अंदर ब्लड जा, ऐसा नहीं, ओपन क्लोज में हर्ट जो है पंप करता है वेसल्स आर्टरी वेन के थ्रू कैपिलरीज के थ्रू वापस से पूरे बॉडी में ट्रेवल करके वापस से हर्ट के पास आ जाता है। अब बात आती है कि जब ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहे, तो ये कैविटी में पूरा ब्लड चला गया, कैविटी खाली एकदम पूरा, और उसी के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म के, उसी के अंदर टिश्यू है ऑर्गेनिज्म का, तो टिश्यू ऑर्गन वहीं से ब्लड से जो फूड होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सब ले लेंगे वापस से, फिर से ब्लड जो है वो फिर से पंप करेगा हर्ट। तो ये कंटिन्यू एक प्रोसेस चलता रहता है। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में, एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें लिखा है कि ऑर्गन एंड टिश्यू बाथ बाथड इट, मतलब पूरा ऑर्गन और टिश्यू जो है उसमें नहा रहे होते हैं, ओपन टाइप ठीक है। और क्लोज में तो फिर वेसल से कनेक्टेड है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें ओपन टाइप में किसका किसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली स्टार्ट होता है एनेलिडा से, और एनेलिडा ओपन में नहीं है, तो इसमें आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा लर्न कर लो, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इसमें कुछ एक्सेप्शन है मोलस्का में, उसके बाद इसमें आएगा मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा आएगा और हेमिकॉर्डेट आ जाएगा इसमें ठीक है। एक बार थोड़ा सा ये हेमिकॉर्डेटा वाला पॉइंट चेक करना, एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर एक टेबल दिया हुआ है, वहां चेक कर लीजिएगा। एक बार क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो आप इस किस में देखेंगे, एनिलिडा में देख रहे हैं, एनिलिडा हो गया एंड कॉर्डेटा हो गया, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा, यहां इसमें क्या होगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ये दो एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं ठीक है, बहुत अच्छे। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ये आपको लर्न करना है। हेमिकॉर्डेटा भी इसी में आएगा, यहाँ मतलब विजिबल नहीं है, इकाइनोडर्मेटा एंड लास्ट क्या है, हेमिकॉर्डेटा, ये आ जाएगा। एंड क्लोज टाइप में एनिलिडा एंड कॉर्डेटा है, ये लर्न करना है, हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहे, बहुत छोटा सा वीडियो, छोटा छोटा वीडियो देखेंगे तो मतलब हमें बोर भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। और अगर आपको कहीं डाउट रह गया हो तो हमें बताइएगा, एनसीईआरटी जाके अच्छे से पढ़ो, हम श्योर हैं कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगी। और
सबसे पहले करना क्या है आपको, व्हाट यू डू, क्या करना है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एमसीक्यू बुक की प्रैक्टिस, अगर आपके पास कोई एमसीक्यू बुक है टॉपिक वाइज उसका प्रैक्टिस करो, पी वाई क्यूज को सॉल्व कर लो, बस इतना कर लो आप, ठीक है, इतना कर लो। तो आज हमने बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है और हम श्योर हैं कि आपको बहुत समझ में आएगा। अगर जिसको नहीं समझ में, एक बार और उस वीडियो को देखो, ठीक है, हम श्योर हैं कि बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बस यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।